भारत मिशन चला रही है, दूसरी तरफ ग्राम प्रधान और आला अधिकारी लगा रहे स्वच्छ भारत मिशन को पली। पूरा मामला तहसील पूरनपुर के ग्राम बहादुरपुर का है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय के लिए 1,000 रुपए प्रति आदमी से वसूले जा रहे थे। कुछ लोगों ने सन 2017 में प्रधान को 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन उनका अभी तक किसी सूची में नाम नहीं आया, न ही उन लोगों को किसी भी तरह का ग्राम प्रधान द्वारा कोई लाभ मिला है। जिन लोगों के पास शौचालय पहले से मौजूद है, उन लोगों को शौचालय दोबारा से दिए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान पुराने शौचालय की उन्हें पैसों से मरम्मत करवा रहे हैं। जब मीडिया की टीम ने ग्राम प्रधान राम कृष्ण से इस मामले से बात करनी चाहिए, तब साहब दबंगई पर उतारू हो गए और बोले कि आप लोगों के जैसे तो यहाँ आते जाते रहते हैं, आप लोगों को जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने उपजिलाधिकारी पूरन को शिकायती पत्र भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। क्या नाम है? कालीचरण। कालीचरण जी, यहाँ प्रधान द्वारा लेटरिन और आवास में कुछ पैसा रिश्वत मांगी जा रही, क्या मामला है? रिश्वत मांगी जा रही जो है 1,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो प्रधान ने पहले कहा कि लेटरिन आएंगी देंगे, अब लेटरिन आई है तो इन्होंने बिल्कुल कोई अभी लेटरिन का हमारे यहाँ तो और लोगों की भी नहीं, हमारी तो बिल्कुल नहीं। कितने परिवार ऐसे जिन लोगों की लेटरिन नहीं है? कम से कम ऐसे होंगे तो 100 परिवार से ज़्यादा होंगे। क्या नाम है? महेश। महेश जी, यहाँ प्रधान द्वारा आवास को लेकर और लेटरिनों को लेकर रुपया मांगा जा रहा है, क्या मामला है? रुपया मांगा जा रहा है ऐसे लेटरिन मांगा था, लेकिन हमारे हमने कहीं रुपया हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, सरकार द्वारा जो आ रही है बिना पैसा के आ रही है। आवास मिले हुए आप लोगों को? कुछ ना आवास हम नहीं मिले, ना शौचालय मिले, ना शौचालय नहीं मिले, बाहर जाता है। पीलीभीत से ब्यूरो सिराज मलिक की रिपोर्ट।